मीका सिंह ने चलाया अपने सुरों का जादू। हुआ मीका सिंह का लाइव कॉन्सर्ट, जिसे ऑर्गेनाइज किया अर्चना मनेरा फाउंडेशन ने, और साथ ही इस इवेंट को मैनेज किया है राजेश नेगी मूवी मैजिक ने। देखिए कैसे जब मीका के सुरों का जादू चला तो बन गया समा इस लाइव कॉन्सर्ट ने। मीका ने स्टेज पर आग ही लगा डाली। अरे याद है मुझको तेरा बच के जाना। एवरीबॉडी कम ऑन, सो जो जोरदार अगर मेक सम नॉइज। हाय हाय तेरी जान, अगले शो पे तेरी बनाएंगे, यहीं पे और फुल करेंगे। चलिए चपेल सुना बोल, जयपति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, नारे हैदरी जो बोले सोने हाँ। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। आई लव यू ऑल गाइस, यू गाइस आर द बेस्ट। अच्छा जी, आप कब बोला बोलो अच्छा। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। स्पेशली थैंक्स टू मूवी मैजिक, वीरू शंकर भाई का थैंक यू सो मच, बहुत ही कमाल का उन्होंने शो करा है। और दोनों राजेश एंड वीरू, जय वीरू की जोड़ी तो सुनी, राजेश वीरू की जोड़ी पहली बार सुनी। नमस्ते, पहले तो सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे सारे फाउंडेशन के तरफ से। और मीका सिंह आए, इंजॉय किया सब स्टेट वासियों ने, सब हमारे वार्ड के वासियों ने, सिर्फ जीबी रोड वासियों ने, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट की। सच्ची थैंक यू, सबका थैंक यू। देखो हर साल अलग होता है, गए साल शंकर महादेवन जी थे, इस बार मीका सिंह जी है, तो टिपिकली सब ने इंजॉय किया जैसे जैसे सब ने इंजॉय किया। मैं इतना ही मैसेज देती हूँ कि दिवाली की सबको शुभकामनाएं, सब अपना ख्याल रखें, सबको सेफ दिवाली। फाउंडेशन के थ्रू हम लोग यही सब काम कर रहे हैं जो पब्लिक हित में हो। दिवाली का दिवाली प्रभात सबके थाने में होती है, हमारे जीबी रोड पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी होता है तो हमारे पब्लिक को कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए दिवाली संध्या हमने चालू की गए साल, ये बार सेकेंड ईयर है। सोशल वर्क में है हमारी फाउंडेशन और अभी ये सब में है और आगे चले। हमारी फाउंडेशन आपकी तरह, सबकी तरह, मेरी तरह नहीं है, तो आप सब संभाल के लीजिए, अभी सब अभी तक बेबी है। हमारे फाउंडेशन में अभी तक 150 से 200 लोग जुड़े हैं, अभी और जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे जैसे मैं बोली हमारे फाउंडेशन नहीं है। अर्चना मनेरा फाउंडेशन, किरण मनेरा और अर्चना मनेरा, इन दोनों की तरफ से यहाँ जो एक मीका सिंह का जो प्रोग्राम रखा है हर साल, वो यहाँ लोगों को दिवाली में एक भेंट देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, एक म्यूज़िकल शो करते हैं। वो फाउंडेशन की तरफ से सोशल और कल्चरल में बहुत से प्रोग्राम वो कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सबको हैप्पी दिवाली। राय जी, जी अर्चना जी, देखो शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, आपने देख लिया होगा, उन्होंने बोला है ये काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। आज ये इस गांव घर घर जाके लोगों को पानी पहुंचाना, ये करना इनका, मतलब जो ध्येय है, इनका जो सोच है, तो ये है कि इनका जो नेटिव प्लेस है इसको
कितना हर एक इंसान, हर एक घर वाला जो है उनका फैमिली मेंबर है, तो उनके लिए ये पूरी अर्चना मनेरा फाउंडेशन की पूरी फैमिली है ये, और वो अपने फैमिली के लिए दिवाली की भेंट देते हैं हर साल। ये आप जो देख रहे हैं ये के पीछे उनका जो बैकबोन है डॉक्टर किरण मनेरा जी, किरण जी ये पीछे रहते हैं, लेकिन मेन, सबसे मेन यही है, अर्चना जी का हौसला भी यही है, इनका सपोर्ट भी यही है, और ये ड्यू जो है हर साल ये लोगों को, यहाँ के लोगों को अपनी तरफ से दिवाली का तोहफा देता है, दिवाली धमाका देता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह लास्ट ईयर शंकर महादेवन दिया, इस साल मिक्का सिंह दिया, अगले साल और बड़ा धमाका आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी किरण जी से बताइए, जनरली हमारा कोशिश यही रहता है कि दिवाली के दिन सब फैमिली एक साथ रह के सेलिब्रेट करें, और हर साल हम लोग और आगे इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस हमको देख के, हमारे कार्य को देख के, हम किसी को भी देख के थोड़ा नारी प्रेरित हो और कुछ आगे आए। चैलेंजिंग तो था, पर हमारे सब कार्यकर्ताओं मिल के, वॉलंटियर्स ने मिल के सक्सेस किया। इतना बड़ा शो हिट करना बहुत बड़ी बात है, तो सब हो गया। और हमारे ऑडियंस का सबसे थैंक, सबसे ज़्यादा थैंक यू, उसने इतना इंकरेज किया, इतना अच्छे से इंजॉय किया, उसके बहुत ज़्यादा थैंक यू उनका। ये हमारा कोशिश यही रहता है कि दिवाली के दिन यहाँ के घोड़बंदर वासी लोग एक साथ में मिल के दिवाली सेलिब्रेट करें। जनरली दिवाली संध्या, दिवाली बाद थाना की ओर में होता है, और घोड़बंदर में बहुत सारे नए रेसिडेंट्स आए हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास ये है कि वो हर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें। इसके लिए हमारा कोशिश ये रहेगी कि हर साल हम कुछ नया कर सकते हैं।